हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के यूनिट 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। कृपया करके वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। वीडियो को आप पूरा देखा करें, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, हर एक वीडियो में कहता हूँ कि वीडियो को आप पूरा देखा करें। मैं वीडियो पूरा देखने के लिए इसीलिए कहता हूँ क्योंकि मैं इन प्रश्नों में से भी कुछ प्रश्नों पर टिक लगवाता हूँ, और मैं जिन प्रश्नों पर टिक लगवाता हूँ वो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो कृपया करके आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो क्या कर दें, एक लाइक कर दें, ठीक है। अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज़ डिसलाइक कर दें, और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, सभी स्टूडेंटों को शेयर कर दें फटाफट। जिससे क्या होगा, सभी स्टूडेंटों को यह वीडियो पहुंच जाएगी सभी स्टूडेंटों के पास, और वह भी अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर सकेंगे और वे भी एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सकेंगे। तो आपको पहली बात तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ उन्हीं को आप अगर आप कर लेते हो अच्छे से याद, तो आपको 90+ कोई नहीं रोक सकता है। प्रत्येक वीडियो में आपको कहता हूँ, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए प्रत्येक वीडियो में आपसे कह रहा हूँ कि आप इसका जो मैं प्रश्न बताता हूँ उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप गूगल ट्रांसलेटर ऐप से उसे आप इम्पोर्ट करके, ठीक है, उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो बहुत ही सरल तरीके से। तो कृपया करके आप वीडियो को शेयर जरूर किया करें, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले ट्रांसलेट कर लें। चलिए तो आज अपन यूनिट तीन का नाम है। इससे पहले हम फिजिक्स के यूनिट 2 के यूनिट 1 के भी बता चुके हैं आपको, और इससे पहले हमने आपको केमिस्ट्री के यूनिट 5 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। कृपया करके याद कर लें उनको, क्योंकि अगर आप अभी से याद कर लोगे तो आपको बाद में कोई कठिनाई नहीं आएगी, ठीक है। बाद में आपको गेस्ट पेपर दिए जाएंगे, जो भी कुछ दिया जाएगा बाद में आपको बिल्कुल भी परेशानियां नहीं भुगतनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अभी से आप अच्छे से पढ़ते चलें और एग्ज़ाम की तैयारी करते चलें। आपके एग्ज़ाम मार्च में होने हैं, ठीक है, एक आध महीने भले ही लेट हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो आपके एग्ज़ाम मार्च में ही होंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए, इसका जो इकाई 3 है फिजिक्स की, यूनिट बाई यूनिट आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चैप्टर बाई चैप्टर नहीं दिए जा रहे हैं, यूनिट बाई यूनिट। तो एक यूनिट से, इस 3 यूनिट से आपके 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी न्यू ब्लूप्रिंट तो नहीं आया, जो पुराना ब्लूप्रिंट था उसी के आधार पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो इसका नाम है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इसमें से कुल 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं 1 नंबर के, ठीक है। 2 प्रश्न आपके कितने के पूछे जाते हैं, 1 नंबर के, और आपका 1 प्रश्न पूछा जाता है 4 नंबर का, ओके, ये आप ध्यान रखें। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ऐसा आपको एक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा इस तरीके का, ब्लैक कलर का, उस पर आप क्लिक कीजिए। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको लिंक मिल जाएंगी, वहाँ पर आपको लिखा होगा केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, फिजिक्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। केमिस्ट्री के तो सेट भी डले हैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के, आप उनको देख सकते हो अच्छे से, ऑब्जेक्टिव तैयार कर सकते हो अभी से। और यूनिट बाई यूनिट भी ऑब्जेक्टिव दिए हैं केमिस्ट्री के हमने, और फिजिक्स के भी दिए हैं, उनको आप देख सकते हो, ठीक है। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें से अंक 4 का एक प्रश्न आएगा, अंक 4 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छे से मेहनत करें, मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ें, आप बेसिक से पढ़ें। मैं ऐसा आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही पढ़ें, आप बेसिक से पढ़ें। पहले आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते जाएं, जैसे आप बेसिक पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी बुक्स फॉलो कर रहे हो, अच्छे से आप मेहनत कर रहे हो, बेसिक से आप कवर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप बेसिक से कवर करो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी आप अच्छे से तैयार करते रहो साथ में, जिससे क्या होगा, आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर होते रहेंगे, और एग्जाम में आप 90+ आराम से स्कोर कर सकते हो, आराम से, बहुत ही इजीली, ठीक है, अगर आप यूनिट बाई यूनिट क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हो। चलिए पहला प्रश्न आपका, बायो सेवर्ट का नियम लिखो तथा इसे सिद्ध करो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस साल आ गया था 2020 में, लेकिन यह हर साल पूछा जाता है, ठीक है, इससे आप रिस्क नहीं ले सकते, इसको आप तैयार करके जाना है, सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप आईएमपी कर लो, ठीक है, इसको आप आईएमपी कर लो, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
इसमें लिखा है एन फेरो वाली वृत्ति कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन फेरो वाली वृत्ति कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करो। और ए वाला प्रश्न क्या था, एन फेरो वाली वृत्ति कुंडली के केंद्र पर, ठीक है, ये शायद एक ही प्रश्न लिख दिए गए हैं, ठीक है, एक ही प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लॉरेंज बल क्या है इसके लिए व्यंजक ज्ञात करो। ठीक है, देखिए एक प्रश्न इसमें से केंद्र पर नहीं होगा, एक प्रश्न इसमें अक्ष पर होगा। देखिए एक ही नहीं है, अलग अलग है। इसमें एन फेरो वाली वृत्ति कुंडली के केंद्र पर, एक तो आपको केंद्र पर ज्ञात करना है, ठीक है, इसको आप समझ लो, इसको ये तो सही लिखा है, ठीक है, पूरा का पूरा। इसका अगला वाला जो प्रश्न है ना, उसमें आप यहाँ पर केंद्र की जगह क्या कर लेना, अक्ष कर लेना, एक्सिस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस, अक्ष कर लेना, ठीक है। एन फेरो वाली वृत्ति कुंडली के अक्ष पर ज्ञात करना है, और वह ज्ञात करना है केंद्र पर, ठीक है, सेंटर पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, लॉरेंज बल क्या है इसके लिए व्यंजक ज्ञात करो, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। चलिए, किसी धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल के लिए व्यंजक ज्ञात करो, अच्छे से कर सकते हो। संट क्या है भाई, ये प्रश्न है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, किसी भी हालत में मत छोड़ना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस साल इसके आने के बहुत 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 ज़्यादा चांस हैं, इसको आप रट ही लें, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके अगला वाला जो प्रश्न है, अमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर, जो संट वाला प्रश्न है और अमीटर वोल्ट मीटर में अंतर, इन दोनों में से आपको एक देखने को मिल सकता है एग्जाम में, या फिर आपको दोनों ही मिल सकती है, तो कृपया करके दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना, इनमें से आपको एक देखने को 101% मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रहे हैं, ठीक है, आप अच्छे से याद करो, सीरीज से याद करो। वैसे तो अभी कोचिंग भी चालू हो गई हैं, ठीक है, बहुत जगह कोचिंग भी चालू हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कीलकित कुंडली धारामापी या वेस्टर्न धारामापी को चित्र बनाकर समझाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, लगातार दो साल पूछा गया है, 2014 में और 2012 में, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखो इन प्रश्नों को तो आप छोड़ना नहीं है, अच्छी स्थिति, देखो इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले जो सेम है उसी की तरह आपको सेम करना है, आपने पढ़ा होगा, अगर कोचिंग पर पढ़ा होगा आपने, विद्युत चुंबकीय जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अच्छी स्थिति में और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सेम एक ही तरीका होता है करने का, ठीक है, उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाती है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाती है, बस और कोई इसमें फर्क नहीं है, ठीक है, इसमें ध्रुव आ जाते हैं, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, और निरक्षी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखो जो अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति में विभव के लिए व्यंजक, निरक्षी स्थिति में विभव के लिए व्यंजक, अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये छह प्रश्न अलग अलग है, लेकिन इसके करने के सॉल्व करने का तरीका एक ही है, लगभग लगभग सेम है, ठीक है, तो आप इनको छह प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना, पांच नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है, पांच नंबर आपके कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, 10 भी हो सकते हैं, इसीलिए पांच नंबर आपके तो कोई नहीं रोक सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रत्यानयन बल युग्म होगा, यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गई है, युग नहीं होगा यहाँ पर, युग्म होगा और अधूर की जगह यहाँ पर आघूड़ होगा, ठीक है, इसको आघूड़ बोलते हैं ना, वो होगा आघूड़ के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नर्म लोहे फौलाद में अंतर या स्टील, ठीक है, बात एक ही, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, इसमें कोष्टक नहीं लगा पाया है, नर्म लोहा तथा फौलाद में अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। नमन कोण क्षितिज घटक, ये आ चुका है आपका इस साल, लेकिन आप इसको फिर तैयार करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे आपको अमीटर और संट वाला तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, और निरक्षी स्थिति अच्छी स्थिति वाले प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थ में अंतर लिखो,
मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस साल आने के इसके भी चांस हैं। पृथ्वचुंबकीय अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय में अंतर, संट और अमीटर और अच्छी स्थिति निरच्छ स्थिति, इन पांच प्रश्नों को अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आपके इस यूनिट से 4 नंबर पक्का हो जाएगा। इस यूनिट से जितने भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो आपके पक्के हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी जब भी हम आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।